हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। सुखासन में बैठना है, आप लोग सुखासन में ही बैठे हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, सिर सीधा रखना, दोनों भुजाओं को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रखना, आंखें बंद करना। अब अपने शारीरिक सजगता प्रति दृष्टि देना, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी है, सिर सीधा है, आंखें बंद है, भुजाएं घुटनों पर हैं और शरीर स्थिर है। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे। अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर केंद्रित करके भ्रूमध्य में एक सुंदर दिव्य ज्योति को धारण करते हुए 3 बार ओंकार करें, श्वास अंदर भरें। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे, मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ, हरिः ॐ। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब दोनों हथेलियों को मुद्रा मुक्त करके आंखें खोलना। आज हम एक धारा प्रवाह को करेंगे, जिसको करने से शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सक्रिय होते हैं और इन क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। इस धारा प्रवाह को कहते हैं ताड़ासन धारा प्रवाह, ताड़ासन सीरीज, या फिर शंख प्रक्षालन प्रवाह या सीरीज। और इनको करके निश्चित रूप से शारीरिक रूप से निरोग रहेंगे, मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी, भावनात्मक समत्व आएगा, आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। बस जो हम क्रियाएं करने जा रहे हैं वो खड़े होकर के ही करना है। आप लोग खड़े हो जाइए। पहले हम लोग ताड़ासन करेंगे, किंतु जब भी करेंगे ताड़ासन तो लंबी गहरी श्वास के साथ ही करना, क्योंकि श्वास का जो प्रभाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है। तो इसलिए श्वासों के साथ करना है। योग यानी जोड़ने की प्रक्रिया है। तो हम पहले अपने मन को, अपनी श्वास के प्रति, अपना प्राण, श्वास ही तो प्राण है,
अपने प्राण के प्रति और मन प्राण को शारीरिक संचालन के प्रति सजगता धारण करते हुए ही हम लोग करने जा रहे हैं ताड़ासन। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को दोनों तरफ से होकर के उठाएं और ऊपर जोड़ दें। श्वास अंदर भरें, ऊपर जोड़ दें, उंगलियों को एक दूसरे से फंसा करके, और छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सिर के ऊपर रखें। ऐसे ही लंबी गहरी श्वास लेते हुए एड़ियों को उठाना है, हाथों को उठाना है, हथेलियां ऊपर दिशा की ओर करके उठाना है। चलिए उठाइए, छोड़ते हुए वापस आइए। अगेन श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास उज्जयी प्राणायाम में लेते हुए ही उठाएं। ऐसे थोड़ी देर तक रुकें और छोड़ते हुए वापस आए। इस बार पूरा ध्यान देकर के करना है। लंबी गहरी श्वास उज्जयी प्राणायाम में लेते हुए उठाएं, बंद करके पूरे शरीर को ताने, छोड़ते हुए वापस। ऐसे ही इसको, इस क्रिया को 5 बार दोहराना है। श्वास लंबी गहरी लेना और छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों तरफ से होकर के बगल में रखना। अब तिर्यक ताड़ासन करना है, दूसरी क्रिया। दोनों पैरों को फासले में रखना, सफिशियंट फासला रहे, एकदम ज्यादा नहीं और एकदम कम भी नहीं। जैसे दोनों हाथों को ताड़ासन में उठाए थे लंबी गहरी श्वास के साथ, ऐसे ही लंबी गहरी श्वास के साथ उठा करके ऊपर जोड़ दें उंगलियों को दूसरे से फंसा करके, और हथेलियों को ऊपर दिशा की ओर रखना है। चलिए ऊपर जोड़ दें, हथेलियां ऊपर दिशा की ओर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ झुकाना है, कमर से शरीर को झुकाइए। बहुत बढ़िया। अब श्वास लेते हुए सीधा करें, छोड़ते छोड़ते अब दाएं तरफ झुकाएं शरीर को, लेते हुए फिर सीधा, छोड़ते हुए बाएं तरफ, लेते हुए सीधा, और छोड़ते हुए फिर दाएं तरफ, लेते हुए सीधा। ऐसे 5 बार करना है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में रखना। अब दोनों पैरों को नजदीक करना। अब हम लोग कटी चक्रासन करने जा रहे हैं। कटी को चक्रवत घुमाएंगे तो बेहतरीन प्रभाव होगा कमर पर और संपूर्ण मेरुदंड के ऊपर। दोनों पैरों के बीच अब हथला रखना, दोनों हाथों को अब फैलाना है, उठा करके फैलाइएगा, कंधों के बराबरी में रखिएगा। श्वास लेते हुए उठाएं। अब बाएं तरफ शरीर को मोड़ना है कमर से, और हाथों को जैसे बोलेंगे वैसे ही धीरे धीरे रखना है। श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ धड़ को मोड़ें, दाएं हाथ को बाएं कंधा के ऊपर, बाएं हाथ को दाएं कमर के ऊपर बांध करके, सिर को बाएं तरफ मुड़ करके बाएं कंधा से दाएं एड़ी को देखने की कोशिश करें। ये श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं सीधा।
अब श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ धड़ को मोड़ें। बाएं हाथ को दाएं कंधा के ऊपर, दाएं हाथ को बाएं कमर के ऊपर बांध करके दाएं तरफ मोड़ करके सिर को दाएं कंधा से बाएं एड़ी को देखना। थोड़ा सा पीछे की ओर झुक भी सकते हैं। श्वास लेते हुए फिर सीधा हो जाना और श्वास छोड़ते दोनों हाथों को बगल में रखना। अब दोनों पैरों को नजदीक करना, आराम। अब हम करने जा रहे हैं तिर्यक भुजंगासन। ये चौथी क्रिया है और तिर्यक भुजंगासन बहुत ही लाभदायी क्रिया है। दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डिप्रेशन के पीड़ित नहीं है। प्रायतः डिप्रेशन सबके पास है, अवसाद विषाद रहता ही है और अवसाद विषाद दूरीभूत होता है इससे। अवसाद विषाद ही तो विभिन्न रोगों के कारण है, तो इसलिए ये प्रभावशाली आसन है जिससे हम अवसाद विषाद को दूर कर सकते हैं, मेरुदंड को लचीला बना सकते हैं और जो बैक पेन रहता है, स्पोंडिलाइटिस रहती है या तो फिर कंधों का या फिर मेरुदंड का, कमर का कोई दर्द रहता है तो उससे हटता है। सांप के बराबर मेरुदंड लचीला रहता है। मानसिक रूप से देखेंगे तो मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, भय शून्य हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं और शारीरिक रूप से और फिर देखेंगे तो फिर हृदय की बीमारी भी दूर होती है और लॉन्ग्स की कैपेसिटी, इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। तो अब हम करने जा रहे हैं तिर्यक भुजंगासन। ऐसे ही वज्रासन से होकर के तैयारी करनी है। देखिए अद्वासन को आना है वज्रासन से होकर के। आगे बढ़ते जाएं, दोनों हाथों को सामने फैलाएं, माथा को जमीन पर रखें, पैरों को नजदीक रखें, ये अद्वासन है। अब हम तिर्यक भुजंगासन की तैयारी करेंगे। दोनों पैरों के बीच फासला रखें, पांव को खड़ी रखनी है तो दोनों अंगूठों को जमीन पर लगाएं, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। अब इस स्थिति में सांप के बराबर, नागसांप के बराबर अपने फना उठाना है, यानी अपने धड़ को उठाना है। लंबी गहरी श्वास उज्जयी प्राणायाम में लेते हुए उठाएं और बंद करके श्वास बाई कंधा से दाई एड़ी को देखना। वैसे दाई कंधा से बाई एड़ी को देखना, फिर सी सीधा करके ऊपर की ओर देखना। यहाँ तक श्वास बंद थी, अब श्वास छोड़ते हुए वापस आना है जमीन को। ऐसे ही इस क्रिया को भी 5 बार कम से कम दोहराना है ताकि अपने मेरुदंड स्वस्थ रहे, मन शांत रहे। अब हम उदरकर्षणासन क्रिया करेंगे। इसमें पहले दोनों पैरों को फासले में रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फासला रखना दोनों पैरों के बीच और बैठ जाना है। धीरे धीरे बैठ जाइए, हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखिए और इस हिसाब से अब बाएं तरफ धड़ को मोड़ना है, दाएं घुटना को बाएं पांव के पास रखना। श्वास छोड़ते छोड़ते बाएं तरफ मुड़ करके
पीछे की ओर देखना, दोनों घुटनों के बीच ज़्यादा फासला न रखना, एक दूजे ऊपर नीचे हो जाए, श्वास लेते हुए सीधा करना, छोड़ते हुए दूसरी ओर मोड़ना है और दाएं तरफ पीछे की ओर मोड़ करके देखना है। बाएं घुटना नीचे है और दाएं घुटना ऊपर है। फिर श्वास लेते हुए सीधा हो जाना है, बस हो गया। इसको हम दूसरे हिसाब से भी कर सकते हैं, उसका प्रकारांतर है, वो लेट करके किया जाता है। देखिए कैसे लेट करके किया जाता है, सुप्त उदर कर्षणासन। अब प्रकारांतर को करना है, उदर कर्षण के जो प्रकारांतर है वो सुप्त उदर कर्षणासन है। ऐसे लेटना है, पीठ के बल लेटना, दोनों पैरों को नजदीक रखना, दोनों हथेलियों को जोड़ करके सिर के नीचे रखना, दोनों हथेलियों को जोड़ना, उंगलियों को एक दूसरे से फंसा करके और सिर के नीचे रखना, दोनों पैरों को मोड़ना, घुटनों को साथ साथ रखना, एड़ियों को जमीन पर रखना, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ घुटनों को मोड़ना है और सिर को दाएं तरफ मोड़ना है और दाएं केहूने को देखना है। श्वास छोड़ते छोड़ते झुकाएं, और लेते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा, घुटनों को भी सीधा, अब छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकाना है घुटनों को, सिर को बाएं तरफ, लेते हुए सिर को और घुटनों को सीधा रखें। ऐसे ही 5 बार उसको भी दोहराना है। ये सुप्त उदर कर्षणासन है। अभी तक आप सब लोग देखा ताड़ासन सीरीज को, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदर कर्षणासन तथा सुप्त उदर कर्षणासन। ये क्रियाएं बहुत ही लाभदायी हैं, बहुत कम समय पर भी मनुष्य को ये स्वस्थता देती है। ये क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक दिन कर सकते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा, किंतु ये 10 मिनट आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। ताड़ासन जो बच्चे करते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ती है और स्टेमिना बढ़ता है, साथ साथ ब्रेन एक्टिवेशन भी होता है, एंटायर नर्व सिस्टम एक्टिवेटेड होते हैं, तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही अच्छा है। वैसे ही तिर्यक ताड़ासन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिमोट एरियाज को भी हम इसके द्वारा प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के रिमोट एरियाज है जो किसी भी काम करने से प्रभावित नहीं होता है, किंतु इस क्रिया के माध्यम से हम एकदम आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। और तीसरी क्रिया है कटी चक्रासन। जैसे कपड़े को हम साफ करते हैं और कपड़ा एकदम साफ हो जाता है जब हम निचोड़ते हैं, ऐसे ही हम शरीर को निचोड़ रहे हैं इसके द्वारा, तो मेरुदंड एकदम स्वस्थ होता है, 62,000 नाड़ियाँ एक्टिवेटेड होते हैं। वैसे ही तिर्यक भुजंगासन जब करते हैं तो मैंने कहा डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटीज दूर होती हैं और साथ साथ मानसिक बीमारियां भी, मन सुदृढ़ होता है, मेरुदंड एकदम स्वस्थ रहता है, बैक पेन किसी प्रकार का नहीं होता है, स्पॉन्डिलाइटिस दूर होती है, तो ये बहुत अच्छा ही है। और उदर कर्षणासन तो पेट को बहुत ही अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। स्वस्थता के लिए ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
हरिओम तत्सत।